रिटायर्ड कर्नल दुआ जो लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं लोगों को निकालने के लिए दुर्गम क्षेत्रों से। अभी भी लगभग 30,000 लोग फंसे हुए हैं। गोविंद घाट में ऑपरेशन बेहद दुर्गम है। हम जाकर वहां असेस करेंगे, जायजा लेंगे और देखेंगे कि कैसे सेना के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों के पहुंचाने के लिए जद्दोजहद में डूबे हुए हैं। भारतीय सेना के जोशीमठ एयरबेस से इस सिविलियन एयरक्राफ्ट के जरिए लगभग 5 मिनट में ये दूरी हम तय कर रहे हैं गोविंद घाट तक के लिए। हालांकि रामबाड़ा की तरह गोविंद घाट के लिए जो सड़कें जा रही हैं वो पूरी तरीके से नकामयाब नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में ही इतने बड़े बड़े अड़चने हैं, रोड ब्लॉक्स हैं जिन्हें ट्रैक कर पाना मुश्किल है, और खास करके एक जगह पूरी तरीके से नदी की वजह से रोड कटा हुआ है। अब एक हेलीब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है गोविंद घाट में, ताकि उस हेलीब्रिज के जरिए लोग कम से कम नदी क्रॉस कर आ सके, जहां से फिर या तो सड़क मार्ग या हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जोशीमठ या दूसरे जगहों तक पहुंचाया जा सके। फंस रहे थे वहाँ पर, हमारे को बोला था जो नौजवान है वो झाड़ियों में से पहाड़ों में से कहे मर्जी धक्के खा के नीचे चले जाएं, आपके लिए कोई हेलीकॉप्टर की सुविधा नहीं है, हम बड़ी मुश्किल से, अगर आप चाहें मैं को क्लिप्स दिखला सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से नीचे आए हैं, 3 दिन हो गए यहाँ पर भूखे प्यासे पड़े हैं। आगे बढ़ते रहिए, यू फ्रॉम एंड व्हाट्स योर नेम? ओह इंग्लैंड, लुईस। लुईस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टक हियर? 11 1932 बट 6 डेज स्टक। एंड डिड यू ट्रैक इट फ्रॉम हेमकुंड? व्हाट्स योर नेम? Simon. From England. All the best. I hope your journey is safe from here on. दो विदेशी सैलानी इंग्लैंड से, साइमन को इसके पहले चॉपर में भेजा गया, लुई को अब भेजा जा रहा है 4 और पुरुषों के साथ में। कुछ और लोगों से पीछे जानते हैं उनकी हालत। पानी नहीं दे रहे, ना बिस्किट दे रहे, कुछ भी नहीं, ना रहने के लिए कंबल दिया, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी हालत बन गई है कि जैसे तक कुछ भी नहीं बोल सकते हम। मेरा नाम गगनदीप, दिल्ली से हूँ। पिछले 3 दिन से हम यहीं पे हैं, जंगल में सो रहे हैं, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा है। मिलिट्री ठीक है, अपना बेस्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। एक हेलीकॉप्टर पूरे दिन में मेरे ख्याल से 10 चक्कर लगा था, उसके बाद कोई नहीं है। रस्सी वाले कहते हैं कि सुबह 7 बजे काम शुरू करेंगे, लेकिन 2-3 बजे आते हैं, 2-3 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं। आपके फैमिली से आपकी बात हो पाई है? नहीं, कोई किसी से बात नहीं हुई है, सारे क्रॉस कर चुके हैं, 4-5 दिन से हो चुका है, किसी से टच में नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं आ रहा, कोई फोन नहीं है। मेरी फैमिली 8 दिन से नीचे है, मेरे को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम घोड़ा वाले हैं, हमारे घर तो मतलब घोड़ा वाले हैं। यहाँ घोड़ों को कितनी नुकसान पहुँची है? कई घोड़े मर गए सर, गिर गए, घास नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है सर, और जो है बहुत हम बहुत परेशानी में है सर। और ये आप घोड़े क्या बह वगैरह गए हैं? कई घोड़े गिर गए हैं, चट्टानों जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे आप कहाँ जाएंगे? हम जोशीमठ निकलने के सोच रहे हैं। जोशीमठ जी,
अब हम ऊपर ट्रैक करके लोगों की हालत जानने की कोशिश करते हैं। ऊपर के हालात कैसे हैं? बहुत मारे हालात है। कितने दिनों से फंसे में थे आप? दो हफ्ते होगी, दो हफ्ते से पहाड़ियों से जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रैक है, ये नदी में से निकल रहे हैं रास्ते में। बहुत ज्यादा हमारा तो दूसरा जन्म है किस्म का। हम तो सही सलामत घर पहुंचे, हमारा दूसरा जन्म है। बहुत हम तो मौतबर जा रहा कर रहे हैं। इतनी ज्यादा हताशा है, लोग रो रहे हैं यहाँ पर और सब इस इंतजार में है कि कब कम से कम नीचे वाली जो कतार है वो खत्म हो तो यहाँ से कुछ और लोग नीचे उतरे। देखिए वो जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसी में सवार होकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। वो लगातार स्वाटिंग लगा रहे हैं। ऊपर जो घर है, घरों में भी आपको बैठे हुए लोग नजर आएंगे। जो नदी के उस पार है हम सबसे कटे हुए हैं, शायद हमें देख पा रहे हैं या नहीं। उन्हें भी इंतजार होगा कि किसी तरीके से जो है उन्हें यहाँ से निकाला जा सके। और पूरे के पूरे इलाके को ही अगर आप देखें, चट्टाने जिस तरीके से खिंचती हैं, भूस्खलन भयंकर तरीके से हुआ है। अगर यहाँ फिर से बारिश शुरू होती है तो आप समझ सकते हैं कि कैसी तबाही यहाँ पर मचेगी। यहाँ कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से चलकर आई हैं? हम लुधियाने से चल के इधर आए। आप हेमकुंड से गए? कितना कैसा रास्ता था? रास्ता बहुत गंदा, बहुत ज्यादा जंगल, जंगल है, जंगली जंगल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। निकलना बच्चा कोई भी स्लिप करके कुछ भी हो सकता है, कोई रखवाली नहीं है इधर हमारे। ये कहानियाँ जितने भी लोग हैं सबकी एक जैसी कहानियाँ हैं, कहानियाँ खत्म नहीं हो रही हैं। और अब हम थोड़ा गाँव के अंदर जाकर देखते हैं वहाँ की हालत कैसे है। वहाँ देख सकते हैं सेना के जवान वगैरह मौजूद हैं। कुछ शायद ब्रिजेस या रोपवे बनाने की कोशिश की जा रही है। हम वहाँ से देख पा रहे हैं एक लड़की को लाया जा रहा है उनको। ये कितना मुश्किल काम है इस तरीके से रोपवे चलाना? ये मुश्किल तो कुछ नहीं है, रोप जो ये है ना बहुत मजबूत रोप है ये। अच्छा। इसमें कम से कम 2,500 kg का क्षमता इस रोप में, तो इसमें कम से कम 2-3 बंदे आराम से आ जा सकते हैं इससे। अच्छा, तो नदी के उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं? हाँ, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी भेज सकते हैं और उस साइड से भी भेज सकते हैं। कितने लोग एक दिन में भेज पाते हैं? एक टाइम सिंबल सीधे वाले। यहाँ लोग कितना डर रहे हैं रोपवे में आने में, उनको कैसे समझा रहे हैं आप लोग? कोई डर नहीं रहा है, वो जाने को उत्सुक है और वो अपने पार पहुँचना चाहते हैं, किसी तरह से घर पहुँचना चाहते हैं। पूरी तरीके से यहाँ उफान पर है और आईटीबीपी के जो जवान हैं वो मुझे नदी की दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आईबीएन 7 को दर्शकों को बता दें कि हम जिम्मेदार चैनल हैं, ये हम डेयर डेविलरी नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यहाँ गोविंद घाट में जो लोग फंसे हुए हैं तो कैसे इन दिक्कतों से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रोपवे के जरिए मेरे कैमरा पर्सन कमल देव और मैं नदी के अब दूसरी तरफ आ गए हैं। अलकनंदा नदी पूरी तरीके से उफान पर है, जरा इसकी आवाज को सुनिए, इसके गुस्से, इसके प्रकोप को महसूस कीजिए। और यहाँ दर्शकों को ये भी बता दें कि अलकनंदा नदी जो अभी इस वक्त मेरे बाएं ओर नजर आ रही है, दरअसल ये मेरे दाएं ओर बहा करती थी। इस प्राकृतिक आपदा के पहले ये नदी दाएं ओर से गुजरा करती थी और बाएं ओर दरअसल यहाँ पड़ाव हुआ करता था, जहाँ घोड़े खच्चर रुका करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि नदी ने अपनी धारा किस तरीके से बदली है, रिवर बेड कैसे बदले जा रहे हैं और अपनी धार के साथ न जाने कितने मवेशियों को और घोड़ों को भी ये बहा ली गई है। अब यहाँ से आगे हम ट्रैक करेंगे और कोशिश करेंगे जो स्थानीय लोग हैं उनकी बात सुन सके, जो मकान तहस नहस हुए, जो जिंदगियां बर्बाद हुई हैं उनकी दास्तान आईबीएन 7 की दर्शकों तक हम पहुँचा सके। मेरे
मेरे पीछे आप ये मकान वगैरह देख रहे हैं, कुछ होटल्स थे, कुछ रिहायशी इमारतें थी, जिस तरीके से ध्वस्त हुई हैं, बर्बादी का ये आलम और उस दिन जिस दिन कुदरत ने कहर बरपाया था, कैसा था नजारा, जानने के लिए कुछ स्थानियों से यहाँ पर हम बात करते हैं। आपका घर बर्बाद हुआ है? मेरे दो होटल बर्बाद हो गए हैं, बिल्कुल सफाया हो गया, कुछ भी नहीं रहा, अपने रहने वहने के लिए भी अब कुछ नहीं है, घर भी हमारा यहीं पे। जिस दिन ये बारिश की तबाही मची उस दिन क्या कैसा नजारा था, क्या कुछ देखा आप लोगों ने? बस हम लोग सोच रहे थे कि बस अब आज हमारा लास्ट दिन है, बचते हैं या नहीं बचते हैं। हमने काफी कोशिश करके काफी गाड़ियां निकाली, लोगों को बचाया, जितना हमसे हो पाया हमने उनको बचाने की कोशिश की, मगर जब हमारे हाथ कभी नहीं, फिर हम लोग यहाँ पे छोड़ के भागे। यहाँ कितने लोग मारे गए होंगे, कोई अंदाजा है इस वक्त? कम से कम यहाँ पे 40 और 50 के आदमी डैमेज हो चुके हैं गाड़ियाँ बैग करके। पूरी रात में हम लोग 3 बजे तक हम लोग रेस्क्यू करते रहे यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा कि आज लास्ट नाइट है, हम लोग किसी से नहीं मिल पाएंगे। आप लोग यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाह रहे हैं दूसरे इलाके में? नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम तो बेघर हो गए हैं। हम लोग को सरकार की जितनी मदद मिले, हम लोगों को फिर से यहाँ पे डेवलप करने का मौका दिया जाए। ये इमारत जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये दरअसल 5 मंजिला इमारत थी, लेकिन यहाँ अब 2 मंजिल पूरी तरीके से इस मलबे और स्लश में दब चुके हैं। यहाँ इनफैक्ट कमल अगर आपको दिखाएं, दरअसल ये एक डिस्पेंसरी था, डिस्पेंसरी के दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, खोली नहीं जा सकती, इतना ज्यादा मलबा भरा हुआ है। सूट केसेस यहाँ पड़ी हुई हैं, बॉटल्स, जो ऊपर एक क्लोक रूम वगैरह था, घड़ी चल रही है, लेकिन जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं उनके लिए शायद वक्त की सुई कहीं थम गई हो। कितना भयावह था वो दृश्य। 11:30 बजे के करीब थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, उसके बाद हम दुकानदारों ने पहले तो वहां से श्रद्धालु निकाले, 7-8 हजार श्रद्धालु थे। उसके बाद जब हमने सबको निकाला, एकदम यहाँ से पानी आना शुरू हो गया, उसके बाद पुल भी टूट गया, ट्रांसफार्म जो जितनी लाइट वगैरह है सब कुछ चला गया यहाँ का। और उसके बाद हम दुकानदारों ने जो श्रद्धालुओं को निकाला, उसके बाद हम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए। किस मुश्किलों में अभी जी रहे हैं यहाँ पर? हम तो बहुत मुश्किलों में जी रहे हैं, ना तो खाने को कुछ है, ना पीने के लिए पानी है यहाँ। पूरे मलबे से जिंदगी को वापस दोबारा पटरी पर लाना कितना मुश्किल होगा, इसका हम अंदाजा भी इस वक्त नहीं लगा सकते। भारत गेस्ट हाउस है, कंफर्टेबल स्टे के लिए ये गेस्ट हाउस दावा कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये गेस्ट हाउस उस हालत में नहीं है कि लोग आकर यहाँ रुक सकें। यहाँ आपको क्या लगता है कि अब ये सारी चीजें वापस से ठीक करने में, पुनर्निर्माण करने में कितना वक्त लगेगा? दो तीन साल लगेंगे। और अभी जो प्रशासन का रवैया, आपको लगता है कि उससे मदद मिल रही है आप लोगों को? अभी कोई मदद नहीं मिली, कोई पूछने नहीं आया, कोई यहाँ पे नहीं आया। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है लगातार इन चीजों को धोने के लिए, और इन्फेक्शन वगैरह का डर जो है, खतरा भी अब यहाँ पर पैदा हो गया है। लोग गंदे पानी से ही आटा गूंथ कर रोटी बनाने को मजबूर हो रहे हैं, और कुछ श्रद्धालु वापस आकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन कड़ियों को जो आज पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों के लिए कश्मकश की स्थिति है कि अपना सब कुछ छोड़कर आखिर कैसे चले जाएं, और अगर यहाँ रहते भी हैं तो आगे और भी खतरे पैदा हो सकते हैं। ये एक फैसला कर पाना अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन भी जरूर है।